हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में एम्स गोरखपुर बीएससी नर्सिंग 2021 की कट ऑफ की बात करेंगे। कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, ओपन राउंड में किस कैटेगरी में कितने रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ था। इससे पहले एम्स पटना, ऋषिकेश, बठिंडा, इस तरह से और बाकी एम्स का वीडियो अपलोड हो गई है, आप उसका कट ऑफ जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एम्स गोरखपुर की बात करें तो फर्स्ट राउंड में यूआर कैटेगरी में 580 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है, ओबीसी 898, ईडब्ल्यूएस 1261, एससी 1761, एसटी 3660। अब देख सकते हैं कि एम्स गोरखपुर में फर्स्ट राउंड में इतना कैटेगरी वाले लोग को इतना रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। जैसे इस बार कितना हो सकते, तो इस बार 580 है, तो आप 600 प्लस आइडिया लगा सकते हो कि 600 तक कॉलेज मिल सकता है और 600 से थोड़ा सा ज़्यादा। इसमें 898 है, तो आप 900 तक आइडिया रख सकते हो कि एम्स गोरखपुर अलॉट हो सकता है। इस तरह से ये कट ऑफ देख के आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितने रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। अब बात करेंगे सेकेंड राउंड की एम्स गोरखपुर के। सेकेंड राउंड में एम्स गोरखपुर में यूआर कैटेगरी 733, ओबीसी कैटेगरी 1115 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुई है, ईडब्ल्यूएस 1455, एससी कैटेगरी 2149, एसटी कैटेगरी 4289। अब देख सकते हैं कि सेकेंड राउंड में इतना रैंक तक एम्स गोरखपुर कॉलेज अलॉट हुआ है। फिर बात करेंगे ओपन राउंड की, तो ओपन राउंड में यूआर कैटेगरी 808 और ओबीसी एक भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, क्योंकि सीट वैकेंट नहीं रही होंगी, जिस वजह से ओपन राउंड में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट अलॉट नहीं हुआ। एससी कैटेगरी 2203 है, एसटी कैटेगरी 4497 है। इस तरह से एम्स गोरखपुर की फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और ओपन राउंड की सीट जो अलॉट हुआ है कैटेगरी वाइज, वो इस वीडियो में है। और इसके अलावा अगर आप और कोई एम्स का देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट करके बता दें।